अस्सलाम वालेकुम। प्योर देसी फूड में आज मैं बना रही हूँ बीफ का पुलाव। गोश्त लिया है मैंने 2 किलो। मैं इसको प्रेशर में डाल के इसमें पानी डाल के पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही इसमें नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च, यखनी में अब मैं एक पोटली बना के डालूंगी जिसमें होगा ज़ीरा, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची के 4 दाने, लौंग, सौंफ। यखनी में डाला मैंने नमक 3 चम्मच, लहसुन और ये पोटली। पोटली में है सौंफ, सूखा धनिया, दालचीनी, लौंग, साबुत मसाले सारे डाल के, थोड़ा सा प्याज। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। पुलाव के लिए प्याज डाला, प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया। साथ ही इसमें 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी डाल के फ्राई करने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारा प्याज रेड होगा हम इसमें मसाला डाल देंगे। प्याज का थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा पानी डाला, इसमें ये लहसुन, अदरक, टमाटर पीसे हुए वो डाल दिया और साथ ही ज़ीरा डाल दिया। अब इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया और सुरख मिर्च, सूखा धनिया 2 चम्मच, यखनी में भी नमक डाला हुआ है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मसाला हमारा भून चुका है और गोश्त हमारा गल गया है, प्रेशर हमारा तैयार है। ऑयल आपने बीफ का गोश्त है ना, इसमें से थोड़ी सी चिकनाई निकल आती है, तो आपने यखनी में घी कम डालना है प्याज को फ्राई करते वक्त। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके हम यखनी डाल देंगे। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। मैंने यही वाला 1.5 मग चावल बनाने हैं और इसके हिसाब से मैं 2.5 मग पानी डालूंगी, 1.25 के हिसाब से। अब जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी हमारा पकने लग गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। Thank you.
हमारे चावलों का पानी खुशक हो जाएगा, हम इसको दम पे रख देंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। दम हमारा पूरा हो चुका है, माशाल्लाह।